दोस्तों टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये महिंद्रा पिकअप है, बोलेरो पिकअप FEV मॉडल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी रनिंग में उसके अंदर एक इंजन का साइन आता है येलो कलर का, और उसके बाद गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो जाता है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। गाड़ी ऐसी नॉर्मल बराबर चलती है, लेकिन रनिंग में उसके अंदर येलो कलर का इंजन का साइन आता है। तो अपन देखते हैं। तो गाड़ी को मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो अभी स्टार्ट किया मैंने, गाड़ी अपनी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी जो येलो कलर का साइन है ये शो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जैसा भी मैं रनिंग करूँगा तो इसके अंदर इंजन का जो साइन है वो कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा। मैं ऑफ़ करके वापस एक बार दिखाता हूँ। मैंने ऑफ़ किया, इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया मैं, उसका चेक लाइट भी आया और यह जो इंजन है यहाँ पे लिख के आता है और ये चला जाता है। वापस ऑफ करता हूँ मैं। ऑन किया, चेक लाइट आया और ये जो नीचे इंजन लिख के आके चला गया वो रनिंग में आ जाता है। तो उसको अपन चेक करते हैं चला के कि ये लाइट कितने टाइम में आती है और इसके अंदर फॉल्ट क्या है। अभी आ नहीं रही है, थोड़ा टाइम में चलाऊंगा मैं तो ये कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगी। इधर और अपनी गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे वो जो इंजन जो येलो कलर में साइन है वो आ रहा है। तो इसको अभी डायग्नोस करेंगे। और इसने पिकअप भी तोड़ दिया था, जो गियर के बाद गियर डालने के बाद जो मौसम है, मौसम तोड़ दिया था गाड़ी ने। तो अपन उसको स्कैन करते हैं लॉन्च स्कैन प्लस एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे उसका ब्लूटूथ लगा दिया और उसको एक बार स्कैन करते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट ही रखा है क्योंकि अभी भी उसका जो इंजन का लाइट है वो कंटिन्यूसली ऑन है। तो जाते हैं अपन लॉन्च स्कैन प्लस एक्स लोकल डायग्नोस एशिया महिंद्रा। ओके, व्हीकल सिलेक्शन कमर्शियल, और जाएंगे बोलेरो पिकअप में। और बोलेरो पिकअप और नीचे BS6 का भी ऑप्शन है। तो अपन ये अपनी BS4 है तो जाएंगे BS ऊपर वाले ऑप्शन में बोलेरो पिकअप। सिस्टम सिलेक्शन और ये मैस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को रीड करते हैं एक बार और रीड ट्रबल कोड देखेंगे। तो या तो पहला फॉल्ट आ रहा था, लेकिन अभी जो एडिशनल फॉल्ट है वो P0501 व्हीकल स्पीड सेंसर फिजिबिलिटी एरर, और ये करंट में फॉल्ट कोड शो हो रहा है और अपना किलोमीटर भी जो काम नहीं कर रहा है स्पीडोमीटर। तो इस फॉल्ट को अपन डायग्नोस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। ये जो गियर बॉक्स है इसका, इसके ऊपर उसका व्हील स्पीड सेंसर जो है व्हीकल स्पीड सेंसर का उसका सॉकेट है। तो उसका अपन सॉकेट में तीन वायर है और तीनों वायर में अपन सप्लाई चेक करते हैं VSS व्हीकल स्पीड सेंसर। तो अपना इग्निशन ऑन कंडीशन में है, तो जो फर्स्ट वाली है ब्लू में रेड उसमें अपन देखते हैं। इसमें मैंने लगाया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और अभी थर्ड में देखते हैं तो थर्ड में भी कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो इसका वायरिंग का ही प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं वायरिंग चेक करता हूँ, वीडियो को करता हूँ पॉज और दिखाता हूँ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फॉल्ट देख लिया मैंने, या जो क्रैंक सेंसर से जो ऊपर से जो जाती है इसकी वायर, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका तीनों का तीनों वायर कटा है। और उसको पहला मैं जॉइंट मारता हूँ और उसके बाद अपन सप्लाई चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या सप्लाई आता है। ये वायर तीनों कटा है, इसका ही सॉकेट का है। तो इसको जॉइंट मारता हूँ मैंने जॉइंट मार लिया है तीनों वायर का। और अभी एक बार वापस सप्लाई चेक करेंगे
और जो पहला है उसका जो ब्लू में रेड है स्ट्रिप उसके ऊपर, इसमें अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4.9 आ रहा है ओल्ड। और सेकंड में देखेंगे तो अभी सेकंड देखेंगे लाइट मरून है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ग्राउंड, ग्राउंड आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बता रहे। और अभी थर्ड में देखेंगे यहाँ पे रेड में ग्रीन स्ट्रिप है, थर्ड में लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज शो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव ग्राउंड और 5 वोल्ट आ रहा है उसके अंदर, मतलब सिग्नल आ रहा है। तो तीनों वायर में सप्लाई बराबर है, अभी एक बार लगा के देखते हैं। अभी इग्निशन स्विच ऑन है अपना, और इसको रीड फॉल्ट कोड एक बार करता हूँ मैं कि उसका जो VSS जो व्हीकल स्पीड सेंसर का कोड था वो चला गया अपना। और मैंने अपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि उसका पहला वो किलोमीटर भी नहीं चलता था, जो स्पीडोमीटर का जो निडल है वो ऊपर नहीं जाता था। तो इसको गाड़ी को करते स्टार्ट, और गाड़ी को मैं करता हूँ ड्राइव, और देखेंगे तो इसका किलोमीटर भी चलना चालू हो गया। तो पहला किलोमीटर भी नहीं चल रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ये फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता था, उसके वजह से पिकअप का इशू था। और मैंने ट्रायल भी मार दिया, गाड़ी बराबर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।